स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2015 का एक पेपर है आरपीएससी का, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 56 क्वेश्चन जो थे उनको सोल्व कर लिया था, ये उसी का पार्ट 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, 57 नंबर में है, जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत। तो देखिए, औसत लागत और सीमांत लागत का जो संबंध होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत भी गिरती है और उसके बाद में बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए सेकंड। नेक्स्ट है, यदि कीमत के परिवर्तन के बाद भी किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन न हो तो मांग की कीमत लोच का गुणांक होगा। अब देखिए यहाँ पर कि वस्तु की जो कीमत है उसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब मांग की जो लोच है वो कैसी है, पूर्णतया बेलोचदार है, ई इक्वल टू जीरो हम कह सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, एक फर्म सामान्य लाभ कमाती है जब, तो फर्म का जो सामान्य लाभ है वो कब होता है, जब टीआर और टीसी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर है। जीएनपी मतलब राष्ट्रीय उत्पाद है और जीडीपी का मतलब घरेलू। तो घरेलू और राष्ट्रीय उत्पाद में किस चीज़ का अंतर होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, एनएफआई का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय है, तो देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो एक वर्ष के आधार पर की जाती है, समयावधि में की जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रवाह चर कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में हम फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र की बात करते हैं, तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र जो है वो औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत जहाँ पे बराबर होती हैं, तो इस सीमांत लागत का ये बढ़ता हुआ भाग जो औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर है और जहाँ पे ये बराबर है, ठीक है, मतलब वहाँ पर एक तरह से क्या होता है, उत्पादन बंदी बिंदु कहते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन बंद बिंदु के ऊपर का वह हिस्सा जिसमें सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है, प्राथमिक घाटा है, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटे में से यदि हम ब्याज भुगतान की राशि को माइनस कर दें, जो क्या बताता है, उस वर्ष का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना है। नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन के संघटक हैं, तो व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है, दृश्य मदों का आयात निर्यात, तो वस्तुओं का जो आयात निर्यात है उनसे संबंधित है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, तो यहाँ पर हमको तीन संबंध दे रखे हैं, तो देखिए जो दूसरा संबंध है वो तो गलत है। पहला संबंध ये सही हो सकता है, समांतर माध्य का मूल्य माध्यिका से ज़्यादा और बहुलक का जो मूल्य वो सबसे कम है, या फिर बहुलक का मूल्य सबसे ज़्यादा, फिर माध्यिका और फिर समांतर माध्य, ये दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसमें से किसी एक को सही नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ होता है, तो समांतर माध्य से अगर हम विचलन ज्ञात करते हैं तो उनका जोड़ तो शून्य होता है लेकिन उनके विचलनों का जो वर्गों का जोड़ है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुर्नो मॉडल के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, तो द्विएकाधिकारी अपनी अंतर्निर्भरता नहीं मानते हैं, सही है, प्रत्येक द्विएकाधिकारी यह मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर रहता है, ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा प्रत्येक द्विएकाधिकारी यह मानता है कि उसका प्रतिद्वंदी कीमत स्थिर रहता है, ठीक है, तो ये नहीं आता है। नेक्स्ट है, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति शून्य हो, एमपीसी कितनी है, शून्य है, तो निवेश का मान कितना होगा, तो निवेश गुणक होगा 1/(1-MPC) और एमपीसी अगर शून्य है तो कितना आएगा, गुणक का मान 1 आएगा। नेक्स्ट है, आय के बढ़ने पर
उपभोग भी समानुपाती बढ़ता है, लेकिन आय के गिरने पर वह समानुपाती नहीं गिरता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेचेट प्रभाव कहते हैं, जो उपभोग की ड्यूजनबरी परिकल्पना है उनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किन्स के मुद्रा की सट्टा मांग में कुल धन रखा जाता है, तो कुल धन जो है वो बॉन्ड या मुद्रा के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है, टोबिन का तरलता अधिमान फलन सुधार है, तो टोबिन का जो तरलता अधिमान सिद्धांत है वो किन्स के सट्टे उद्देश्य की जो मांग होती है मुद्रा की उस पर सुधार माना जाता है। नेक्स्ट है, बोमोल के अनुसार वास्तविक नकद शेषों की मांग सौदा निर्भर करती है, बोमोल के अनुसार वास्तविक नकद शेषों की सौदा मांग किसके ऊपर निर्भर करती है, आय और ब्याज की दर के ऊपर। तो तीसरा हमारा नेक्स्ट है, यदि एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के संदर्भ में दोनों ही वस्तुओं में निरपेक्ष अलाभ, अलाभ का मतलब हानि जो हो रही है दोनों में अगर एक समान है तो इस स्थिति में वो व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है, पारस्परिक लाभप्रद व्यापार स्थापित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दिया गया है टी सी इक्वल टू क्यू थ्री, क्यू की पावर 3 है माइनस 10 क्यू की पावर 2 प्लस 4 क्यू प्लस 100 और क्यू इक्वल टू 5 है, तो एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कुल लागत फलन टोटल कॉस्ट जो फलन है उसका हम डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, तो अवकलन क्या हो जाएगा, क्यू 3 का करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू स्क्वायर का करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 10 तो 20 क्यू और प्लस 4 क्यू का करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम क्यू की जगह कितना लिख दें 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 माइनस 20 इंटू 5 ये हो गया 100 और प्लस 4 तो 75 माइनस 100 करेंगे तो आएगा माइनस के 25 और प्लस 4 किया तो माइनस के 21। अगला हमारा है, निम्न अपकिरण मापों में से कौन सा माप श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, तो विस्तार और चतुर्थक विचलन दोनों आधारित नहीं होते, मानक विचलन जो है वो सभी मूल्यों पर आधारित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ISLM के संदर्भ में सही हैं, LM वक्र किन्स की सीमा में राजकोषीय नीति प्रभावी रहती हैं और जो मौद्रिक नीति है वो अप्रभावी होती हैं, दोनों सही हैं, और LM वक्र के प्रतिष्ठित सीमा में राजकोषीय नीति अप्रभावी होती हैं, तो ये सभी बातें सही हैं इसलिए हम कहेंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हैं, हेक्शर ओहलिन सिद्धांत बताता है कि व्यापार के परिणाम स्वरूप देशों के मध्य साधन कीमतों में जो अंतर उसमें कमी आती है, ठीक है, घटता है साधन अंतर, साधन कीमत अंतर जो है वो कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा स्थितिक मान है जो वितरण को दो समान भागों में विभाजित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन, मध्य का जो होती है वो किसी श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करती हैं। नेक्स्ट है, यदि वैयक्तिक आय 5000, वैयक्तिक आयकर 900, उपभोग रुपये 4300 और वैयक्तिक बचत जो है वो है 400, तो खर्च योग आय जो होती है वो हम कैसे निकालते हैं, वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर को माइनस करके, तो 5000 में से हम जो कर हैं टैक्स है वो कितना है 900 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 4100। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के उन मापों को दर्शाता है जिन्हें आलेखी तौर पर आसानी से अभिकलित किया जाता है, तो रेखा चित्र के माध्यम से हम मध्यिका और बहुलक दोनों को निकाल सकते हैं, सी मीडियन और मोड दोनों को। अगला हमारा है, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया था, दादाभाई नौरोजी ने 1868 के लिए और 1876 में प्रकाशित हुआ था ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मद भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं की जाती है, भुगतान संतुलन का जो पूंजी खाता है उसमें विदेशी विनियोग, बाह्य सहायता और NRI जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, निवेश आय जो होती है वो सम्मिलित नहीं होती हैं। L आकार के तटस्था वक्र होते हैं, कब होते हैं, जब वस्तुएं किस प्रकार की हैं, पूर्ण पूरक वस्तुएं, पूर्ण पूरक वस्तुओं के लिए कैसे होते हैं L आकार के। अगला हमारा है,
बैंडवैगन प्रभाव उदाहरण है। तो बैंडवैगन प्रभाव जो है वो धनात्मक बाह्यताओं का उदाहरण, मतलब अगर एक व्यक्ति अपना खर्चा बढ़ाता है तो उसको देखकर जो उसके पड़ोसी हैं वो भी अपना खर्चा बढ़ाते हैं, ठीक है, धनात्मक संबंध इसलिए हम कह सकते हैं धनात्मक बाह्यताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र का आकार होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए एंजल वक्र जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जिसको हम कह सकते हैं धनात्मक ढाल लिए हुए, सॉरी ऋणात्मक ढाल लिए हुए, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ है इसलिए ऋणात्मक ढाल लिए हुए। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र जो है मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगारी की दर में संबंध को दर्शाता है, या फिर मुद्रा स्फीति की दर और बेरोजगारी में विपरीत संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है, ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो, कीमत में कमी के कारण उस वस्तु पर कुल व्यय, देखो आयताकार अति परवलय है तो मांग की लोच कैसी होगी, इक्वल टू वन होती हैं, और मांग की लोच इक्वल टू वन है तो कीमत अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए उस वस्तु के ऊपर किया जाने वाला जो व्यय है वो स्थिर रहता है, इसलिए हम कहेंगे फर्स्ट अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, यदि मांग की आयलोच इकाई से अधिक हो, मांग की आयलोच इकाई से अधिक है तो जो वस्तु है वो किस प्रकार की होगी, विलासिता वाली होगी, क्योंकि आय में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होगा वस्तुओं की, कौन सी वस्तुओं में परिवर्तन होगा, विलासिता वाली, इसलिए। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की सभी प्रासंगिक कीमतों पर कीमत उपभोग वक्र सम स्तरीय हो, इस तरीके से हो हमारा कीमत उपभोग वक्र PCC, तो उस वस्तु का मांग वक्र होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कीमत स्थिर है, कीमत में कमी होने से जो एक्स वस्तु है उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए मांग वक्र हम कह सकते हैं आयताकार अति परवलय, नीचे की ओर गिरता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो स्लट्स की वास्तविक आय स्थिर रखते हैं। तो स्लट्स की क्या बताते हैं कि उसकी आय में इतना परिवर्तन होना चाहिए कि वो कीमत में परिवर्तन से पहले वाला संयोग जो है वो खरीद सके, तो इसलिए हम कह सकते हैं उपभोक्ता को कीमत परिवर्तन से पूर्व खरीदे जा रहे वस्तु समूह को खरीदने की अनुमति देगा, ठीक है, तीसरा हमारा सही है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत अनंत होती है। तो उपभोक्ता की बचत अनंत कब होती है, जब वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, पूर्णतया बेलोचदार होती है, तो इनमें से हम कह सकते हैं आवश्यक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है, दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म को कहा जाता है, जिस फर्म की लागत सबसे कम होती है उसको हम कहते हैं अनुकूलतम फर्म। नेक्स्ट है, त्वरक दर्शाता है। त्वरक क्या दर्शाता है, उपभोग में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन, निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, सेकंड। नेक्स्ट है, संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख, संचयी आवृत्ति वितरण में से कम और से अधिक आवृत्ति जो वितरण होता है उससे मध्यिका ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनको हम कहते हैं ओझाई वक्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपकिरण का सापेक्ष माप है, अपकिरण का जो सापेक्ष माप है इनमें से विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सर्वाधिक शक्तिशाली संबंध दर्शाता है। तो सहसंबंध गुणांक शक्तिशाली कब होता है, जब उसका मूल्य जो है वो जितना एक के पास में होता है, चाहे वो माइनस वन के पास में हो सकता है चाहे फिर वो प्लस वन के पास में, माइनस वन के पास में इसका मतलब दोनों में ऋणात्मक संबंध है, पूर्ण ऋणात्मक है, और प्लस वन होता है तो पूर्ण धनात्मक संबंध होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वो मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, उनसे स्वतंत्र होता है, इसलिए हम कह सकते हैं फोर्थ, मूल बिंदु और मापन की जो इकाई जिसको हम पैमाना कह सकते हैं उससे स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति के किस उद्देश्य को अधिकांशतः भारत में मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका हमारा सही आंसर है कीमतों में स्थिरता, मूल्य स्थिरता के लिए। नेक्स्ट है, विनिवेश निम्न में से किस नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है, विनिवेश का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री जो राजकोषीय नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास हेतु ग्रोथ रेट समृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया है कृषि क्षेत्र के लिए, 3.5%।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस कमेटी ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों के बारे में मूल्यांकन किया और सुझाव दिए? वित्तीय क्षेत्र का मतलब बैंकिंग क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो जो नरसिंहम कमेटी है उन्होंने सुझाव दिए थे, मूल्यांकन किया था। नेक्स्ट है, गैर प्रतिद्वंदिता और अपवर्जिता न कर पाने की विशेषताएं किन वस्तुओं में पाई जाती हैं? सार्वजनिक वस्तुओं में। सार्वजनिक वस्तु का जो उपभोग होता है वो सभी के लिए समान होता है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था जिसमें दो व्यक्ति हैं ए और बी और दो वस्तु हैं एक्स और वाई, तो उत्पादन और विनिमय का साम्य कहाँ पर होगा? तो उत्पादन और विनिमय का साम्य जहाँ पर दोनों व्यक्तियों के लिए MRS जो है वो MRT के बराबर हो, तो फोर्थ। नेक्स्ट है, ISLM मॉडल में जब सरकारी व्यय में बढ़ोतरी होती है तो सरकारी व्यय अगर बढ़ेगा तो जो हमारा IS वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि पहला है कि मुद्रा बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए ब्याज दर में वृद्धि होना आवश्यक है, निवेश में गिरावट होती है जिससे समग्र मांग में बढ़ोतरी में आंशिक कमी आती है, आय में होने वाली वृद्धि साधारणतः केंजिन मॉडल की तुलना में कम होती है। तो सरकार जब व्यय करती है अपना, ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए वैसे पहला होना चाहिए, फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियां पूर्णतया पूंजी गतिशीलता की अवस्था में पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं, सही है। अपूर्ण पूंजी गतिशीलता की अवस्था में बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुसूची ऊपर की ओर उठती हैं, तो अपूर्ण पूंजी गतिशीलता में ऐसे होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुसूची जो है वो कम वाली होगी यदि पूंजी प्रवाह ब्याज दर के प्रति कम होता है, तो हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लंबवत, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उससे सहसम गुणांक कितना होगा? 0 होता है। नेक्स्ट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर, हाँ। नेक्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर यदि विषम संख्या आती है, तो विषम संख्या कितनी होती है एक पासे में? 3 होती है, 1, 3 और 5। इस बात की प्रायिकता कितनी होगी कि यह अभाज्य संख्या होगी? तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 3 और 5 होती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। और कुल परिणाम कितने हैं? विषम संख्या कुल कितनी है? 3 है। नेक्स्ट है, निम्न में से हरे लेखांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हरी GDP परंपरागत रूप से मापी जाने वाले GDP से कम होता है, बिल्कुल सही है। हरी GDP में प्राकृतिक संसाधनों की खपत को भी सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है। हरी GDP में प्रदूषण को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि नहीं ये गलत है, क्योंकि प्रदूषण को सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट, जैसे कि कई सरकारें राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरण को समाहित करने की इच्छुक हैं, बातें सही हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन हमारा वो है गलत। नेक्स्ट है, स्वावलंबन योजना का राजस्थान में मुख्य उद्देश्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्वावलंबन योजना जो है वो ग्रामीण युवा जो है उनको प्रशिक्षण के साथ में रोजगार देने से संबंधित हैं। अगला है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान सरकार जो है वो इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राजस्थान में पवन ऊर्जा संभाव्यता अनुमानित की गई है लगभग 8,770 मेगावाट। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित हैं 14वें वित्त आयोग के अनुदान को ग्राम पंचायत के खाते में सीधे ही 100% हस्तांतरित करने से, तो बाकी के ऑप्शन तो हाँ फर्स्ट सही है हमारा। नेक्स्ट है, राजस्थान के 5 जिलों में 14 ब्लॉक में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई है। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद, तो ऑप्शन हो गया हमारा तीसरा। नेक्स्ट है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में इस उद्देश्य के साथ हुई है कि राजस्थान फाउंडेशन में क्या जो अप्रवासी राजस्थानी होते हैं वो अपने
क्षेत्र के मातृभूमि के विकास के लिए योगदान दे सके उससे संबंधित है, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इसमें हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान की कृषि गणना 2010-11 के अनुसार कुल क्रियाशील भू जोतों में सीमांत एवं लघु जोतों का जो अनुपात है वो कितना है, लगभग होना चाहिए ये 58% के आसपास है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दालों पर, तो गेहूं दाल और चावलों पर जो शुरू किया गया था ये 2007 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सरकार के राजस्थान विजन 2020 प्रपत्र के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को तीव्र बनाने और बनाए रखने की कितनी आवश्यकता है, लगभग ये हैं 12% वार्षिक। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार 2007-08 से 2014-15 तक केंद्रीय सहायता के रूप में 100% सहायता देती थी और अब भारत सरकार ने सहायता घटाकर सरकार का जो योगदान है केंद्र सरकार का वो कितना है, 60% है, अब पहले 100% था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि की निम्न योजनाओं में से किसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टिकाऊ कृषि राष्ट्रीय मिशन, फोर्थ हमारा सही आंसर है।